व्यवस्था विवरण अध्याय 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इसराइलियों के संग कोई भाग व अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजक को दें। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह उपज देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवीय इस्राएलियों की बस्तियों में से किसी से, जहां वह परदेशी की नाई रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहलाने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों को करने के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कहे सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन को जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय न खाना।